नमस्कार, स्वागत है वंशकार की एक नए वीडियो में। भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मारुति वैगनआर ऑटोमेटिक को हम कैसे चलाएं। एकदम सिंपल सा साधारण सा वीडियो होने वाला है कि हम ऑटोमेटिक कार जो है कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे जो है इसको चलाते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या है, पहले से जो मैनुअल गाड़ियां चलाए रहते हैं उनको अनुभव नहीं रहता है कि हम ऑटोमेटिक जो है कार को कैसे जो है ड्राइव करें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप गाड़ी में बैठ जाएं और अपने कंफर्ट, बिल्कुल कंफर्ट रहे आप, बिल्कुल बैठ जाएं। कैसे आप जो है सीट को एडजस्ट कर लें अपने हाइट के अकॉर्डिंग, पैर को प्रॉपर एक बार ब्रेक वगैरह की जगह पे देख लें पहुंच रहा है। हालांकि क्लच जो है इस गाड़ी में नहीं होती, आप देख सकते हैं। इसमें हमको जो हमारा लेफ्ट साइड का जो है ये पैर है, इसको हमको एकदम आराम देना है। यहाँ पे डेड पैडल पे रख के केवल दाएं पैर का ही यूज हम यहाँ पे करेंगे, जो कि एक्सीलेटर और ब्रेक में काम आएगा। और जो इसके ट्रांसमिशन रहते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहते हैं, उसको जो है हमको कैसे शिफ्ट करना है वो चीज़ें हम प्रॉपर वे में यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आप पहली गाड़ी आपकी या ऑटोमेटिक गाड़ी होने वाली है या ऑटोमेटिक वैगनआर आप सोच रहे हैं, कोई भी गाड़ी ऑटोमेटिक लेने वाली, जनरली क्या चेंजेस रहते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके जो गियर ये लीवर रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी गाड़ियों में डायल भी दिए रहते हैं, तो बस वही सेम चीज़ें का यूज़ रहता है। किसी गाड़ी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा मिल जाती है, किसी में कम मिलती। जैसे अभी हम एकदम बेसिक सा जो है ये गाड़ियाँ हैं मारुति की, ये वैगनआर है, तो इसको हम देखने वाले हैं। काफ़ी कंफर्ट रहता है यार चलाने में, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहली बार मेरे पास क्या होती थी, मेरे पास थी वैगनआर सी। पहली बार मैं गाड़ी सीखा था वैगनआर सी थी, 2008 की मॉडल थी, मैनुअल गाड़ी थी। और जब मैं मैनुअली गाड़ी चलाता था तो एक बीच में मेरे पास एक गाड़ी आई ऑटोमेटिक में थी, तो मेरे को डर सा लग रहा था कैसे चलाएंगे। लेकिन यार बैठने के बाद धीरे धीरे चीज़ें आ जाती है, फर्स्ट डे से ही आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा हमारी जो आदतें रहती हैं ना बार बार क्लच दबाने की, वो क्लच की जगह इसको इस पर हमारे पैर जो है पड़ जाता है ब्रेक पे, तो अचानक से गाड़ी रुक जाती है। तो वो चीज़ जो है हमको यहाँ पे जरूर देखना चाहिए, इसलिए हमको लेफ्ट साइड का पैर का यूज़ नहीं करना चाहिए। और तो भाई सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, कंफर्ट कैसा है, सीट वगैरह सही चीज़ से। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मिनट, हाँ अब यहाँ से दिख रहा है। अब देखो, अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। और दूसरी चीज़ ये जो डिफरेंट मिलती है, यहाँ पे क्लच रहते हैं जो मैनुअल में रहते हैं। यहाँ पे क्लच प्रेस करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर यहाँ पे ब्रेक रहता है, यहाँ पे एक्सीलेटर रहता है। लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है डेड पैडल है, यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना भाई। इसका पैर यहाँ पे रख दो, ये वाला पैर इसको आराम देना है, ठीक है। और यही एक पैर से दोनों को हमको यूज़ करना है। जैसे गाड़ी अभी स्टार्ट कंडीशन में, ठीक है, गाड़ी अभी स्टार्ट कंडीशन में, यहाँ पे एन दिख रहा है। जैसे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, अब देखिए इसका सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है। अब गाड़ी को हम यहाँ पे रुकी क्यों है, क्योंकि गियर वगैरह लगाने का सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूट्रल मोड में है। ये देख रहे हैं एन है न्यूट्रल मोड में, तो भाई एन मोड में मतलब कि गाड़ी मूव नहीं करेगी। सबसे पहले ब्रेक को प्रेस करना है, ठीक है। ब्रेक को जैसे हम प्रेस करेंगे उसके बाद ही इसको जो है हमको एडजस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये ना न्यूट्रल मोड में है, ये एन पे, तो जैसे हमको आर, ऊपर आपको आर दिख रहा होगा, सोचे भाई आर क्या है, आर में ही प्रेस कर दिए, तो इसका मतलब है आर में प्रेस करिए तो रिवर्स है ये। जैसे हम ब्रेक को थोड़ा सा, ये देखिए पैडल जैसे ही थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे, गाड़ी पीछे जा रही है, देख रहे हैं गाड़ी जो है पीछे जा रही है। तो ये जो है बिल्कुल भी ऐसा जो है अचानक से नहीं करना चाहिए। पीछे आप देख लीजिए साइड जो मिरर है और ये जो अंदर का आईआरवीएम है, ये पहले एडजस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद भी हमको रिवर्स लेना चाहिए। तो ये रिवर्स हो गया और इसके नीचे अगर हम आ गए तो ये न्यूट्रल में हो गया गाड़ी। अब यहाँ पे हैंड ब्रेक को उठाइए और ब्रेक को छोड़ दीजिए, आप गाड़ी यहीं पर खड़ी हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आप रिवर्स देख लिए, न्यूट्रल देख लिए। अब भाई गाड़ी को हमको चलाना है, अब चलाएं कैसे, यम मोड रहता है भाई, चला तो लेंगे गाड़ी चल जाएगी, लेकिन हमको उसको रोकना भी आना चाहिए क्योंकि चल गए तो कहाँ ले जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे ड्राइव मोड में, नीचे ये देखिए ये ड्राइव मोड में आ गया, ठीक है। अब इधर करेंगे, एक मैनुअल मोड होता है जिसमें जो है वो उसको हमको नहीं देखना है। यहाँ पे जो ड्राइव मोड है डी, वो जो है यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे ये न्यूट्रल है, नीचे कर दिए डी मोड में। किसी भी गाड़ी में अगर डी मोड रहता है मतलब ड्राइव मोड रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राइव मोड में आ गए। अब ड्राइव मोड में क्या करना है, जैसे हम ब्रेक को प्रेस करके रखे हैं, जैसे ही ब्रेक को हम देखिए धीरे धीरे ये छोड़ रहे हैं, गाड़ी थोड़ा सा आगे मूव करेगी और उसके बाद हमको ये एक्सीलेटर हल्का सा ले लेना है। ये देखिए
हालांकि ये गाड़ी रिमूव क्यों नहीं करी है मेरे से मिस्टेक हुई, क्योंकि ये देखिए जो हैंड ब्रेक है ना, इसको मैंने उठा के रखा था, हैंड ब्रेक आपको नीचे करना है, उसके बाद जो है ब्रेक को जैसे ही थोड़ा छोड़ेंगे दिख रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ रही है, हालांकि ये अंडर 10 की स्पीड में ही रहेगी, और फिर हमको एक्सीलेटर प्रेस करना है धीरे धीरे। नीचे देख रहे हैं ये एक्सीलेटर, इसको हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये देखिए, बस और कुछ नहीं करना है। अब आराम से आपको स्टेयरिंग देखना है, आगे देखना है, और गाड़ी को आराम आराम से ड्राइव करना है। अब पहली बार आप चला रहे हैं तो बिल्कुल भी आप एक्सीलेटर, मैं तो कहता हूँ नहीं लीजिए, केवल जो है इसी ब्रेक के थ्रू ही आराम से गाड़ी को मूव करिए। तो ये हो गई जो है इसकी कहानी, ये देखिए थोड़ा सा अगर हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, ये देखिए बीच में लैग आता है, लैग इसलिए आता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक AGS है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होता है इसमें, जैसे जब गियर बीच में शिफ्ट होता है ना वो हल्का सा लैग लेता है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग वो अपने को महसूस होता रहता है जब आप हाई स्पीड में चलते हैं। तो फिलहाल चलिए कुछ दूर चल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी देखिए बिल्कुल भी आप जो उसमें बार बार हाथ ले जाने की जरूरत नहीं, अगर एक हाथ है मेरे पास ना फिर भी हम इस गाड़ी को सही ढंग से चला पाएंगे। देखिए एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, हालांकि रिस्क ऐसा भी बिल्कुल ना ले, और ऑटोमेटिक में यही ये चीज़ रहती है कि जैसे ही आप जो है ऑटोमेटिक ये है, यहाँ पे बार बार हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक बार ड्राइव मोड में डाल दिए तो सिटी ट्रैफिक के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है ये। सिटी ट्रैफिक में बिल्कुल बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होता रहता है, और आप अपने को जैसे अब देखिए मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा ना, गियर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हूँ, और ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक में आराम से गाड़ी को ब्रेक हल्का सा लिए फिर निकल लिए। तो ये चीज़ें जो है अब देखिए गियर चेंज हुआ है, अब यहाँ पे दिख रहा है थर्ड गियर, जैसे हम स्पीड में आएंगे ना ये फोर्थ गियर पे आ जाएगा, देखिए थर्ड गियर दिखा रहा है बीच में। देखिए फोर्थ गियर दिख गया, तो अब जैसे थोड़ा सा ब्रेक लिए ये गियर चेंज होगा, थर्ड आ गया, सेकंड आ गई, क्योंकि बीच में ब्रेकर है आगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हमको दिख जाती हैं। तो चलिए एक साइड में जो है रोक के फिर चीज़ें और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने अपने लेफ्ट पैर को यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, और एक हाथ से ही गाड़ी को ड्राइव किया है, बस ब्रेक और एक्सीलेटर पे आपको फोकस ज़रूर करना है और आगे देखना है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गई इसमें ऑटोमेटिक जो है ड्राइव कैसे करें, हालांकि सिस्टम जो है बिल्कुल भी ये यहाँ पे यही हम यहाँ पे जो जनरली हम देखे हैं वो इसके गियर जो ट्रांसमिशन है, गियर शिफ्ट कैसे करना है, गाड़ी को अप्रोच कैसे करना है, ये चीज़ देखें, लेकिन आप बिल्कुल भी गाड़ी ही चलाना नहीं जानते हैं उसके लिए वीडियो हम जल्दी ले गए हैं कि हाउ टू ड्राइव एनी कार, ठीक है। तो आप जो है ये चीज़ें हालांकि समझ चुके हों, एक बार फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि एक रिवर्स होता है, एक जो है न्यूट्रल होता है, एक जो है डी मोड होता है, कहीं कहीं जैसे इसमें दिया गया एम रियर, ये मैनुअल होता है। इसका मतलब होता है कि गाड़ी जो है बहुत कम स्पीड से धीरे धीरे चलेगी, जैसे आप जितना भी एक्सीलेटर प्रेस करते हैं हाई स्पीड नहीं चलेगी, ये नॉर्मल स्पीड से ही चलती है मोड में डालने के बाद। तो ये जो है डी मोड हो गया, मतलब कि ऑटोमेटिक जो है ये गियर सिस्टम चेंज होता रहा, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख चुके हैं। तो ड्राइव मोड में चलने का मतलब है कि आप ड्राइव मोड में डाल दिए, एन में गाड़ी जनरली खड़ी रहती है, ठीक है, न्यूट्रल में खड़ी है, हैंड ब्रेक को प्रेस कर दीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम ब्रेक को प्रेस किए हैं, ठीक है, अब जैसे ब्रेक छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बढ़ नहीं रही है। जैसे ही हम ड्राइव मोड में डाले और जो है ये ब्रेक है जैसे छोड़े, गाड़ी जो है अब हैंड ब्रेक को नीचे करना है तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, छोड़े अब देखिए गाड़ी बढ़ रही है आगे, देख रहे हैं, तो ये गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, आई होप आप जो है चीज़ें समझ गए होंगे। और क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी रिप्लाई जो है ज़रूर दी जाएगी। फिलहाल ये गाड़ी जो है जो 2019 का वेरिएंट, इसका जो टोटल रिव्यू वीडियो है, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, कितना इसका जो है इंजन पावर जनरेट करता है, कौन सा इंजन है, आगे पीछे क्या चीज़ें हैं एक्सटीरियर का, सो वो सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे इसके रिव्यू में कवर करेंगे। तो इसका रिव्यू आप ज़रूर जाके देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी गाड़ियों का रिव्यू चीज़ें जो है ऑटोमोबाइल से संबंधित चीज़ें मिल जाती हैं, सर्विस वगैरह से संबंधित चीज़ें भी आपको
इसमें दिख जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके काम जो है आने वाली है। जैसे एन लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये न्यूट्रल मोड में अभी गाड़ी खड़ी हुई है। जैसे आप देखिए, हम रिवर्स में डाल देते हैं ना, ये देखिए आर आ गया, तो इससे भी हमको पता चलता है कि अभी रिवर्स मोड में आर आ गया ना। अब देखिए रिवर्स में भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो रिवर्स में आ गया। अब जो है यहाँ पे हम ब्रेक को प्रेस करके रखे थे, जैसे ही ब्रेक को छोड़ रहे हैं देखिए गाड़ी जो है वो ये पीछे जा रही है। अब हम पीछे भी देख रहे हैं, पीछे खाली अलग ही रोड खाली है, तो हम इसको रिवर्स में ले जा रहे हैं, ये देखिए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑटोमेटिक गाड़ी यहीं लेंगे, हम मैनुअल ही लेंगे, ऑटोमेटिक जो है ऐसा है वैसा है। तो यार अगर आप पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ले सकते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। बार बार गियर शिफ्ट वाला सिस्टम से ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि कुछ लोग को मैनुअल ही मज़ा आता चलाने में, वो एक फील आती है मैनुअल में ना, गियर बार बार लगाओ उसके बाद चलो।